तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेसनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। तो इसके लिए मैंने ये पहले ही एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके लिए एक सर्कल को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे हम ऐसे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा एक सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट होता है। मतलब ये सेंटर पॉइंट हो गया और ऐसे हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक्स एंड वाई ये लिया हुआ है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है। तो जब भी एक सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। पहले ये 45 डिग्री पर, फिर ऐसे ये इसी तरह से ये पूरा बनता जाएगा एक सर्कल जो है, ठीक है। तो सेम यही हो गया कि हम ऐसे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं 45 डिग्री के। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑक्टेंट्स बन चुके हैं। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसमें सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस लेना होता है, ठीक है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स नहीं इसमें से देखने, हमने सिर्फ एक निकाल लेना है। जैसे इसका हम निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे भी ये बनेगा एक, इसके हम पॉइंट्स निकाल लेंगे कि ये किस पॉइंट पे बनेगा। बाकी ये जो है उसी तरह से हम माइनस और जैसे भी लिया हुआ है उस अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये एक निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आर जो है वो गिवन दी गई है, ठीक है, रेडियस जो है वो गिवन दिया गया हुआ है। और एक बात याद रखना, जो ये वाई है, ये वाई जो है वो आर के इक्वल होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू आर मीन्स अगर r की वैल्यू 10 है देन y की वैल्यू भी 10 होगी, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, अगर xc एंड yc क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। x एंड yc का क्या है, अगर तो हमने यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है देन ओरिजिन हमारे होंगे 0 0, ठीक है। एक्स सी एंड वाई सी हमारे होंगे 0 0, तो हमें नहीं दिए गए होंगे। अगर यहाँ से सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने का मतलब दो नंबर, यहाँ पर 2 पॉइंट और यहाँ पर, मतलब हमने सर्कल की मैपिंग कर देनी है, यहाँ से उठा के सर्कल को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो हमें एक्स सी एंड वाई सी जो हैं वो गिवन दिए होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स सी एंड वाई सी जो हैं वो हमें दिए ही हों, ठीक है। तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी दिए हो सकते हैं। तो आगे जब भी हमने ब्रेसनहैम्स के लिए डिसीजन पैरामीटर लेने हैं तो उसके लिए हमें इक्वेशन क्या लेनी पड़ेगी, P0 फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले P0 फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 3 माइनस 2 आर। 3 माइनस 2 आर का मीन्स 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि रेडियस हमें यहाँ पर गिवन दिया गया है, ठीक है। तो जब हमने P0 की वैल्यू निकाल ली, 3 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -17, ठीक है। तो हमने P0 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। P0 फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास, हमने दो केसेस देखने हैं इसमें कि दोनों में से कौन सा हमारी इक्वेशन में फिट बैठेगा। तो हमारे पास दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है 1, अगर P0 less than 0 है तो ये केस हमारा ट्रू है, क्योंकि P0 जो है वो लेस देन 0 है। -17 का मतलब है कि P0 जो है हमारा वो लेस देन 0 है। अगर P0 less than 0 है देन हम ये इक्वेशन जो है ये पुट करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे। अगर हमारी P0 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब कि 1 2 3 इस तरह से आ गई, देन हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए ये मैंने पहले से बना रखा है एक टेबल, तो ये टेबल देखते हैं हम। टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले P0 हमारे पास पहले है -17, ठीक है। और xn हमारे पास है 0, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं दी गई थी। yn मतलब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो रेडियस की इक्वल है, सो 10 है,
ठीक है, इसे अभी आप छोड़ दें, इन दोनों को बस अभी हमने यही देखना है, ठीक है, ये दोनों XC एंड YC जो है वो अभी छोड़ देते हैं। तो 10-10 आ गई, तो इसमें हमारी कौन सी केस पुट होगा, ये फर्स्ट वाला केस जो है इसमें हम पुट करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है कि x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे एंड y की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। जैसे हमने किया ये x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 आ गई, एंड y की वैल्यू जो है वो 10 की 10 वो सेम रहेगी। तो ये अभी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लगानी पड़ेगी, पी ज़ीरो प्लस 1 करने के लिए पी ज़ीरो प्लस 4x प्लस 6। तो ये मैंने इधर एक निकाला हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। पी ज़ीरो इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी ज़ीरो प्लस 4x, ठीक है, पी ज़ीरो प्लस 4x प्लस 6, इसमें हम ये पुट कर देंगे। पी ज़ीरो हमारे पास कितनी है, -17, 4, x की वैल्यू कितनी है अभी, x की वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1, तो ये अभी हमने निकालना है, हमने ये अभी निकाला नहीं है, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है 1, ठीक है, 1 प्लस 6। तो जब हमने इसको निकाला तो कितना आ गया, -7, ये रहा हमारा -7, ठीक है, सेकंड वैल्यू निकल चुकी है। अभी ये सेकंड पी ज़ीरो जो है हमारे पास, ये देखेंगे कि ये दोनों केसेस में से किस पर सही उतरता है। तो ये सेकंड वाला फिर से पी ज़ीरो की वैल्यू -7 है, तो ये फर्स्ट केस ही फिर से अप्लाई होगा। फर्स्ट केस अप्लाई करने के लिए हमें x प्लस 1 करना पड़ेगा, x प्लस 1 किया 2 आ गया, एंड y सेम का सेम रह जाएगा। अभी हमें ये निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है, देन हम यहाँ पर दोबारा से पुट करेंगे। अभी हमारे पास p कितना है, पी ज़ीरो 7, -7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू अभी 2 आ चुकी है, प्लस 6, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये -7 प्लस 14 प्लस माइनस माइनस ही होगा, सो साइन जो ग्रेटर है उसका ही साइन हम आगे लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू जो निकल आई है वो है 7, ठीक है, 7। देन 7 आ गया, तो ये केस नंबर 2 अप्लाई होगा, ठीक है, केस नंबर 2, पी ज़ीरो की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे। केस नंबर 2 अप्लाई करने के लिए x में भी इंक्रीमेंट करेंगे एंड y में डिक्रीमेंट करेंगे 1। तो इसके लिए हमने क्या किया, x में इंक्रीमेंट कर दिया 3, y में डिक्रीमेंट करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 9, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कर दिया, तो डिक्रीमेंट करने के लिए बाद हमने अभी p फाइंड करनी है। तो ये थर्ड वाली p फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, p 0 प्लस 4 x माइनस y प्लस 10, ठीक है। तो इसमें हम अभी वैल्यूज पुट करते हैं, पी ज़ीरो हमारे पास कितनी है अभी, पी ज़ीरो हमारे पास है 7, 7 आ चुकी है हमारे पास पी ज़ीरो, ये वाली, ठीक है, प्लस 4, एक्स कितनी है हमारे पास अभी 3, एंड माइनस वाई हमने डिक्रीमेंट कर दिया 9, प्लस 10। तो इसे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 4 एंड ये आ जाएगा माइनस 6 एंड प्लस 10, ठीक है। तो अभी इस सारे को हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 प्लस 6 4 का 24, प्लस 10, तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल आएगी, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि साइन माइनस का आएगा इसके लिए, ठीक है। तो 24 में से, तो इसके लिए हम अभी 7 माइनस 24 कितना आ जाएगा, माइनस का 17 प्लस 10, तो ये कितना हमारे पास आ गया, प्लस माइनस 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 7। तो अगेन हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी ज़ीरो की माइनस 7, ठीक है। तो माइनस 7 इसका मतलब है कि हम फिर से ये सेम 1 वाले केस पे चले जाएंगे, ठीक है, केस नंबर 1 पे। ऐसे ही करते हमने ये सारे केसेस जो हैं निकाल लेने हैं,
कब तक निकालेंगे? जब तक एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो सेम सेम नहीं आ जाती, ठीक है। एंड इसी तरह से हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो 7-7 आ चुकी है, ठीक है। तो 7-7 वैल्यू आने के बाद अभी जो ये एक्स सी एंड वाई सी, मतलब कि हमने ऐसे ही करते करते यहाँ पर एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस तरह से ये ही सेम वाला सर्कल है जी, मतलब कि ये हो गया 0-0। तो यहाँ पर मतलब ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो गया 0-0, ठीक है। ये यही वाला पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करते हमने ये पूरा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो सर्कल जब हमारा ड्रॉ हो गया, अभी हमारे पास हमने इस सर्कल को मूव करना है, मतलब इस सर्कल की मैपिंग करनी है और इस सर्कल को यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। इस सर्कल को हमने यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर लेके आने के लिए हमें एक्स सी एंड वाई सी जो हैं वो दिए गए हैं। एक्स सी एंड वाई सी गए दिए गए हैं 2 एंड 2। तो हमने क्या करना है इसमें, एक्स सी अगर तो ये दिए गए हैं तब ये हम करेंगे, वरना हम इसे यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्स सी पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 0 प्लस 2, क्योंकि इसकी एक्स सी की वैल्यू हमें दी गई है 2, वाई सी की वैल्यू हमें दी गई है 2। तो मतलब हमने क्या करना है, इसमें प्लस करते रहना है, 0 प्लस 2 2, 10 प्लस जो वाई की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 2 12। ऐसे करते करते हमने लास्ट तक इसे प्लस करते आना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिर्फ अभी ये एक सर्कल, ये एक लाइन को, मतलब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है, ठीक है। मतलब हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स निकालने के लिए, कि ये इतनी चीज़ कैसे ड्रॉ होगी, वो सारे पॉइंट्स निकालने के लिए हमने ये सारा मेथड जो है, इस मेथड का हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप सारे 15, मैंने 7 तक तो आपको निकाल के दे दिए, अब आगे आप 15 - 7 - 23 ये आप खुद फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लास्ट में ये वैल्यूज़ आई हैं एक्स एंड वाई की, जैसे जैसे वैल्यूज़ निकलती रही हैं वैसे ही खुद ब खुद एक्स, अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई की कितनी आ जाएगी, एक्स जो है ही वाई, मतलब जो जे वाला वाई हमारे पास निकला है तो उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। इसी तरह से वाई पॉजिटिव रहेगा और माइनस ये वाला जो एक्स है इसको हम नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है। इसी करते करते हम ये पूरे सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप बस ध्यान रखना कि अगर एक्स सी वाई सी गिवन है देन हम यहाँ से सर्कल को उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सर्कल को उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे, वरना हम क्या करेंगे, सर्कल को यहीं पर जैसे ये ड्रॉ किया ही हुआ है वैसे ही करना है। बस आपको ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली तो ये है कि वाई जो है वो हमेशा आर के इक्वल ही रहेगा, जो वैल्यू आपको आर की दी गई है वही वैल्यू आप वाई की भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो डिसीजन पैरामीटर, मतलब आपने P0 को फाइंड आउट करने के लिए यही इक्वेशन लेनी है, 3 - 2R, ठीक है। 3 - 2R लेके आपको -17 जो है वो फाइंड आउट, मतलब आपको P0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अगर आपने P0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली देन फिर क्या है कि आप P0 को इन दोनों केसेस के साथ देखोगे कि इन दोनों में से कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो अगर माइनस है देन फर्स्ट केस अप्लाई होगा, अगर पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू देन सेकंड केस जो है वो अप्लाई होगा। ये अप्लाई होने के बाद आपने 1 by 1 करके P0 की वैल्यूज जो है वो निकालते जानी है, ठीक है। 1 by 1 करके आप जब P0 की वैल्यूज निकालोगे, जहाँ पर वैल्यूज जो है x एंड y की वैल्यूज सेम सेम आ गई देन वहीं पर आपने क्या करना है, स्टॉप लगा देनी है, ठीक है। अगर एक्स सी एंड वाई सी आपको गिवन है देन आपने उनको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ में प्लस करते जाना है। तो यही हमारा आज का ब्रेसनहैम एल्गोरिदम, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है। तो आप इसे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी देन मुझे बता देना, ठीक है। ओके।